समझा रहे हैं। आखिर उसको मोबाइल देना पड़ा बच्चे को, कितने साल का? 4 साल का। तुम जितने बैठे, तुम्हारे से भी छोटा बच्चा, तो क्या पड़ गए उसको मोबाइल की आदत पड़ गए। अभी आपको चाय की, कॉफी की, बीड़ी की, सिगरेट की, दारू की जिनको आदत पड़ जाती है, वो कर्जा करके भी लाते ना, बोलो, उधार भी लाते ना, उनका स्वास्थ्य खराब होता फिर भी पीते ना, लोग गालियां देते, घर में झगड़े होते जब भी पीते ना, तब वो आदमी पी रहा है कि आदत पी रही है? मोबाइल आदमी देखता है कि आदत देखती है? तो आपको गायत्री धाम में जो घर की आदत है बेटा, उससे पहले पहले समय में लड़ना पड़ता है। और वो लड़ने का तरीका क्या है कि जो यहाँ पर आपका टाइम टेबल बना हुआ है, 4:30 बजे जागने का, 9 बजे सोने का, गेट के बाहर दीवार के बाहर जाना नहीं, यदि बिना बताए गेट के बाहर दीवार के बाहर गए तो यहाँ से दाखला देके रवाना, और सोते समय किसी ने किसी को मारा पीटा तो भोजन नहीं देते, एक टाइम उपवास कराते हैं, और सड़क पे चलते समय फूल पत्ती तोड़ी हाथ खोल के चले तो आपको पूरी सड़क की सफाई करवाएंगे। तो हाथ बांध के चलना, ऐसे किसी की चोटी खींचना नहीं, फूल पत्ती तोड़ना नहीं, यहाँ तक कि मंदिर में भी जाना या प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर भी, तो या गौशाला में भी गाय की प्रतिमा के लिए हनुमान जी की आरती में गौ माता की गुरुवार रविवार देव दर्शन, तो वहां भगवान उनको ऐसा छूना नहीं और फूल पत्ती नहीं चढ़ाना, वहां चली हुई है। अपना काम है केवल प्रणाम करके देखना कि भगवान जी को कैसा सजाया, कितना सुंदर दीपक जल रहा है, कितना सुंदर जल की धार चल रही है, कितना सुंदर लाइट चल रहा है, कितने सुंदर भगवान के आसपास सफाई है। हमारा ये काम है, अपने को वहां जा करके फूल पत्ती नहीं, गंदगी नहीं, और अपनी तरफ से कोई पेड़ को हाथ लगाना नहीं, कोई फूल पत्ती तोड़ना नहीं। एक बच्चा नया नया आया, उसने वहां से गुलाब का फूल तोड़ लिया। अब फूल तोड़ करके वो शिव जी के मंदिर तक गया, पंखुड़िया जमीन पे फेंक दी उसने। अब उसको तो फूल मैं भी लाइट पता लगा नहीं था लगा कि फूल नहीं तोड़ते यहाँ। यहाँ कितने कैमरे लगे हुए पूरे आश्रम में? 50 कैमरे। कितने? तुम कहीं भी हो ना तो दिखते हो, तुम गेट में से आते जाते दिखते हो, तेरा थोड़ी दीवार पे मैं जाते हो देखूंगा दिखते तेरे हो, भोजनालय से, गुरुकुल में बड़े गेट से अंदर आते हो, अंदर से बाहर जाते हो, किसके साथ आए किसके साथ गए, हमारा यहाँ का EMD विभाग आपको कंप्यूटर में फोटो निकाल के बता देगा कि तुम कौन सी तारीख को यहाँ आए थे, कौन सी तारीख को गए, किसके साथ आए और किस जगह से ना। तुम गए। मेरे यदि साथ ट्राई आपको करने किसी कारण से कहीं जाने का मन करे तो अपने यहाँ इतने आचार्य रहते हैं, आचार्य दीदियाँ रहती है, गेट पे वॉचमैन ना। रहता है, किसी को भी बता करके छुट्टी की एप्लीकेशन दे करके ही जाना होता है। पहली से 8वीं तक एप्लीकेशन का यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना है। अभी आपके सब कापियों पे एप्लीकेशन कैसे लिखना छुट्टी के वो यहाँ पे बताएंगे, और एक एप्लीकेशन वहाँ लिख करके सबसे लिखवाएंगे भी कि अपने कक्षा आचार्य से एक दिन की त्योहार की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखो। तो वो एप्लीकेशन पहले तो लिखवा देंगे बोर्ड पर, फिर आप एक कॉपी पे लिख के रखोगे, तो जब भी जाना है तो तारीख से तारीख कि इस तारीख को जाऊंगा, इस तारीख को वापस आऊंगा, मेरे घर पे ये काम है, इसके लिए मैं आचार्य जी से, प्रधान आचार्य जी से, हॉस्टल अधीक्षक से छुट्टी लेके जा रहा हूँ। छुट्टी लेके जाने में फायदा है कि भाग के जाने में? और कभी भाग के गए तो गलती हमारी की तुम्हारी? और आप वाले ने इधर बिठा लिया,
और कान ले जा करके अभी तुमको